नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल मार्केट मूवर पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ONGC का। ये एक ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनी है जो कि आज 5% के आसपास की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ है और 23 अप्रैल आज का डेट आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, मैं बहुत सारे और भी वीडियोज़ में बोला हूँ कि अगर कोई शेयर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहता है और उसका क्लोजिंग उसके हाई के आसपास हो जाता है तो उस शेयर में बहुत ही अच्छा मोमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि वो उसके हाई पे आ जाके क्लोज कर रहा। तो डेफिनेटली इस पर आने वाले दिनों में भी हो सकता है इस पर एक अपमूव देखने को मिल सकता है हम लोग, क्योंकि इस पर एक न्यूज़ भी बहुत अच्छी निकल के आई है। दूसरा, इसका टेक्निकल चार्ट को भी हम लोग देखेंगे, उसमें भी एक तगड़ा ब्रेकआउट के लेवल पे है। अगर वो ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों को आगे इसमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो हम लोग इसके न्यूज़ को भी कवर करेंगे, साथ ही साथ इसका टेक्निकल रिव्यू भी लेंगे। लेकिन इसमें अपमूव तभी होगा जब मार्केट स्टेबल होगा, क्योंकि निफ्टी ने 2 दिन लगातार रेड सिग्नल पे ही अपना क्लोजिंग दिया है। कल तो बहुत ही भयंकर गिरावट थी और आज तो लगभग 40-50 पॉइंट का अपमूव देने के बाद ये -18 पॉइंट पे क्लोजिंग किया है। तो निफ्टी तो हम लोग देख पा रहे हैं निफ्टी का ये आज का कारोबार आप देख ही रहे हैं। निफ्टी में आज भी रेड सिग्नल का क्लोजिंग दिया है और निफ्टी 11,575.95 के आसपास क्लोजिंग किया है और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 11,550 का लेवल है, 550 और 540 का ये लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये तोड़ता है तो इस निफ्टी में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। ये आप इसके चार्ट पे डेली चार्ट पे जाके देख सकते हैं, आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग निफ्टी पे बात नहीं करते हैं अभी, अभी बात करते हैं ONGC पे। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ पे, उसके बाद इसके टेक्निकल हम लोग चार्ट को देखेंगे। तो आ गए हैं इसके न्यूज़ पे। ये देखिए, खबरों के अनुसार सरकारी बहुराष्ट्रीय तेल गैस कंपनी ONGC 2,393 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है। क्या योजना है? तो देखिए, ONGC इस निवेश के जरिए गुजरात में कैम्बे बेसिन में 145 कुएं की ड्रिलिंग करेगी। पर्यावरण मंत्रालय को दिए गए आवेदन के अनुसार ONGC 13 स्थानों पर ड्रिलिंग करेगी, जिसमें अंकलेश्वर मोटवन, दक्षिण पश्चिम मोटवन, कोसंबा और उसके बाद किम, उसके बाद है ऑलपोड, गांधार, दहेज, उसके बाद है पाक्सजन, जम्बूसर और वगैरह वगैरह जो भी है, इतने जगहों पे ये 145 कुएं की ड्रिलिंग करेगी। इससे पहले ONGC ने पिछले महीने मंत्रालय के पास 625 करोड़ की लागत से आसाम में दयालपुर और कोसमारी गांव परिसर में 28 कुएं की ड्रिलिंग के लिए भी आवेदन किया था। तो ये एक न्यूज़ निकल के आई है इस पे 145 कुएं की ड्रिलिंग करेगी ONGC कहाँ पे? न गुजरात के कैम्बे बेसिन पे। तो खबर अच्छी है, इसके वजह से इसमें तेज़ी देखने को मिली। अब हम लोग चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है। तो जैसा कि हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट पे आ चुके हैं और इस पे देख रहे हैं कि जब इसके आसपास के हाई से एक ट्रेंड लाइन जब खींचा गया है, वो ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये अभी रेड कलर की दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ये बार बार टच करके लगभग कुछ महीनों से ये इसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 160-65 के आसपास में। आप देखिए 160-65 के आसपास में कंटिन्यूसली देखिए, यहाँ से गया फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर इसने इसको नीचे की ओर लेके आया, फिर से गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर गया, फिर से नीचे की ओर आया और यहाँ पे आसपास में तो काफ़ी ज़्यादा बार ट्रेंड लाइन को हम लोग ओरिजेंटल लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों को टच करके नीचे की ओर आ रहा। लेकिन आज इसने एक अच्छा
बढ़िया सा बुलिस कैंडल बनाया है, आप देख सकते हैं ये बुलिस कैंडल, और ये ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन को क्रॉस करके लगभग क्लोजिंग करने की कोशिश की है। तो इसमें एक बढ़िया अपूर्व हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर ये कल इसके ऊपर ही क्लोजिंग करता है, इसी कैंडल के ऊपर की ऊपर में क्लोजिंग करता है, इस कैंडल के ऊपर में अगर ये क्लोज करता है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको, जी हाँ मैंने ड्राइंग को थोड़ा सा हटा दिया क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही थी आपको दिखाने में। देखिए ये अगर कल, ये देखिए बुलिश कैंडल बना है, ये आज का है ये कैंडल, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए गए इस जगह पे, देखिए ये देखिए इस जगह पे ये कैंडल देखिए आज का है 23 अप्रैल का, इसने हाई बनाया है 161.50 का 22 तारीख, और 23 तारीख का कैंडल पे नहीं है अभी मेरा, ये 23 का कैंडल है, इसने हाई बनाया 165 का, तो 165 का हाई बनाया है। और अगर ये 165 कल अगर 165 को के ऊपर ओपन होता है या फिर इसके हाई को, आज के हाई को ब्लीच करता हो, तो इंट्राडे पे ही फिर से 2-4 रुपये का मूव हम लोग को देखने को मिल जाएगा। और अगर इस जोन को ये निकाल लेता है, ये जो देख रहे हैं आप इस जोन को अगर निकाल के क्लोजिंग करता है 165 से 70 के बीच में, 168 के आसपास का हाई है, इस जोन को निकाल के अगर क्लोजिंग करता है तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता। तो ये था इसका टेक्निकल लेवल का ब्रेकआउट। देखिए पिछले कुछ महीनों में इसी के आसपास इसने ट्रेड किया, 2018 का 11वां महीना से लेके 2019 के तीसरे चौथे महीने तक इसने इसी जोन पे निकाल दिया। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो इस पर खबर भी बढ़िया है, और अगर ये टेक्निकल ब्रेकआउट होता है तो इसमें एक अपमूव देखने को मिल सकता। तो ये थी ONGC पे एक हमारे तरफ से, हमारे चैनल के तरफ से व्यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। रिगार्डिंग द शेयर मार्केट आपको सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, एक ही साथ में न्यूज हो चाहे किसी स्टॉक का एनालिसिस हो और वगैरह, जितने भी शेयर मार्केट के रिगार्डिंग सारी चीज़ों की जानकारी हमारे चैनल पे दी जाती है। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।